नमस्ते सस्रीयकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी 33% सीट्स फॉर वुमेन रिजर्वेशन बिल अनाउंस। चलिए जी मिलकर देखते हैं जबरदस्त वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वो भारत के प्रधानमंत्री ने आज पहली बार गुहार नहीं लगाई, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ा है कि हमारी महिलाओं को इस संसद के अंदर बराबर का हक मिलना चाहिए और 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को देना चाहिए। जिस तरह से मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर अगर मैंने रोजा रखा और शिव जी की पूजा की उनकी लंबी उम्र के लिए, तो दूसरी तरफ मिलोनी जी ने भी उनको माय फ्रेंड हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मिलोनी जी के साथ कोई केमिस्ट्री नहीं थी। नादिया जैसी लड़कियां जो पढ़ लेती हैं वो मुसलमान समाज की लड़कियों को आवारा करती हैं, तो आज क्या ये पूरा देश भारत क्या मुझे आवारा कहेगा? वो तो कार्टून सीरियल मुझे लग रहा था। वो जो लाल टोपी वाला जो मीडिया चैनल पर बैठकर कह रहा था गरीबी है, फलाना है, धमाका है, भाई तू पहले अपनी फाकाकशी दूर कर ले ना, पहले तू पाकिस्तान में थोड़ी सी फाकाकशी दूर कर। आटे चावल का जो लाइन लग रहा है, बच्चे जो मदरसे में भी छठा कलमा भी नहीं जानते हैं, एलिफेंट की स्पेलिंग भी नहीं जानते, तू पहले उस पर ध्यान दे। अरे भारत के कवि ने कभी भी किसी जो कविता लिखते हैं कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी। आपको पता है क्यों नहीं लिखी जी? क्योंकि पहले कभी था नहीं पाकिस्तान। हाँ। अभी बीच में है। अब क्या पता रहेगा कि नहीं रहेगा। संस्कृत से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, एक मामूली स्कूल, एक मामूली कॉलेज और एक मामूली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बना है और पूरी दुनिया में अपना डंका पिटवा रहा है। पूरी दुनिया रेड कारपेट बिछाती है, पूरी दुनिया उस संस्कृत के मामूली से स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया अपनी पलकें बिछा करके रखती है और बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और शहजादे आकर के उनके गले लगते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और साथ ही साथ गेस्ट भी बहुत ही स्पेशल है। हम बात करेंगे महिलाओं के ऊपर, हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। कहते हैं एक महिला को, एक औरत को इम्पावर करना पूरी फैमिली को इम्पावर करने के बराबर है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में वायरल रहती है कि वन अर्थ वन फैमिली, यानी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह है, अगर हम पूरी दुनिया की ख्वातीन को, वुमेन को इम्पावर करेंगे तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया बेहतरी की तरफ जाएगी, पूरी दुनिया में इम्पावरमेंट ओवरऑल आएगी। अभी हम हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। हर हर महादेव। नाजिया जी अभी जो इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है, आप करेक्शन भी कर सकती हैं, जो मेरे तक न्यूज पहुंची है उसमें हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 33% सीट्स जो रिजर्विंग सीट्स हैं वो बिल्कुल खवातीन के लिए, वुमेन के लिए फिक्स कर दी गई हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या पहले तो इस न्यूज की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करिएगा और उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली 13 साल से यह बिल अटका पड़ा था, 13 साल पहले इस बिल को पेश किया गया था और ये अटका पड़ा था। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि इस बिल का बीज बोया था राजीव गांधी जी ने और नरसिम्हा राव जी ने, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 12 सितंबर 1996 में एसडी देवे गौड़े ने भी ये टेबल पे कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट के हिसाब से इस बिल को रखा था, जिसमें वो बिल थोड़ा रिजर्व था, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई थी। 1/3
अब मैं आपको पहले शोएब भाई ये बता देती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 48.41% 2022 तक महिलाओं की पॉपुलेशन है, 48.41% महिलाओं की पॉपुलेशन है। अब इसको हम ऐसे भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि 70 करोड़ से ऊपर महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 542 सीटें जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा में है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 78, इंटायरली मैं बता रही हूँ, पूरे पार्लियामेंट, मैं किसी पार्टी को अलग नहीं कर रही हूँ, 78 जो है वो महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह रही हैं अभी तक। मैं अभी तक के बारे में, 2023 तक के बारे में कह रही हूँ। अब ऐसा क्या है कि ये गट्स, ये करेज, ये इमोशन, ये रिस्पेक्ट, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन देने का जो करेज है महिलाओं को, ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में ही है। उन्होंने ये जो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाया है, इसमें इन्होंने हाईलाइट ही पहले दिन किया। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि ये आज पहला स्पेशल सेशन था जो खास करके 5 दिनों के लिए बुलाया गया है, हालांकि मॉनसून सेशन होने के बाद अब विंटर सेशन होना था, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर अथॉरिटी होती है केंद्र सरकार के पास, जो किसी जरूरी इतला के लिए और जरूरी बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाए जा सकते हैं। तो ये 5 दिन के स्पेशल सेशन में आज पहले दिन में 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात कही गई है, और कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे कागजात बन रहे हैं। 2 घंटे पहले की रिपोर्ट है कि एक जो सर हिलाना जो हो कहा जाता है, इसको एक्सेप्ट करना जो कहा जाता है, वो हमारी जो भारत की जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत है और जो स्पीकर्स हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक नॉड किया है, नॉडिंग की है, सर हिलाया है। इसका मतलब है कि कल तक ये रिजर्वेशन बिल पास हो जाएगा हर हाल में। और ये चीज जो 13 साल से और 1996 से, 12 दिसंबर 1996 से जो महिलाएं हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी, जो अपने मान मर्यादा, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपने रिस्पेक्ट की बात कह रही थी कि हम भारत की धरती पर बराबर का पॉपुलेशन रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें 1/3 पोजीशन पार्लियामेंट के अंदर दिया जाता है, भारत के पार्लियामेंट के अंदर। तो इस पीड़ा को और इस मान सम्मान को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सबसे पहले, सबसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं को बिल्कुल अपने बराबर ला करके खड़ा कर दिया है। अब मैं आपको ये एक बात और बता देती हूँ जो शायद आपको नहीं पता है। इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में, ये अब लास्ट सेशन 5 दिन का है जो पुराने पार्लियामेंट में हो रहा है, अब इसके बाद विंटर सेशन जो है वो नए पार्लियामेंट में होगा। और जब आज फेयरवेल भी हुआ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को भी फेयरवेल दिया गया, काफी इमोशन हो गए, काफी उनके आंखों में थोड़े आंसू डगमगा गए थे, उन्होंने बहुत सारी यादों को दोहराया। और ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर के हमारी सुषमा स्वराज जी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर रही थी, उन्होंने बहुत गुहार लगाई थी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब वो बड़ी बड़े इमोशन के साथ कहा करती थी कि हमें भी बराबरी का दर्जा इस सभा के अंदर मिलना चाहिए। तो उस बातों को भी उन्होंने दोहराया भारत के प्रधानमंत्री जी ने, और फिर कहा कि जब मैं पहली बार एक गरीब घर का लड़का होते हुए जब मैं पहली बार इस पार्लियामेंट के अंदर आया था, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने पार्लियामेंट की चौखट पर अपने शीश को झुका करके, अपने माथा को टेक करके, उन्होंने वहां पर बिल्कुल माथा टेका था और आशीर्वाद लिया था। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया है आज कि मैंने पार्लियामेंट को एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी देखा था। ठीक है, अब मैं आपके पास आती हूँ कि क्यों उन्होंने इस पुराने पार्लियामेंट से ही इस बिल की अनुमति करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ और हर जगह बोल चुकी हूँ कि सनातन धर्म महिलाओं को सर्वप्रथम रखता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सीता माँ को पूजा है,
जिसने पार्वती माँ को पूछा है, जिसने भगवत गीता और वेदों और ग्रंथों में ब्राह्मणी के बारे में पढ़ा है, जिसने माहेश्वरी के बारे में पढ़ा है, जिसने कुमारी के बारे में पढ़ा है, जिसने वैष्णवी के बारे में पढ़ा है, जिसने वाराही के बारे में पढ़ा है, जिसने इंद्राणी के बारे में पढ़ा है, जिसने चंद्रमा यामी के बारे में पढ़ा है, जो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गंगा में भी माता ढूंढ लेते हैं, शंकर में भी कंकर में भी शंकर ढूंढ लेते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री ने आज पहली बार गुहार नहीं लगाई, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ा है कि हमारी महिलाओं को इस संसद के अंदर बराबर का हक मिलना चाहिए और 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को देना चाहिए। जिस तरह से जब चंद्रयान 3 पर शिव शक्ति नाम उन्होंने दिया था साउथ पोल का, उसी तरीके से फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपना एक प्रयास और अपनी हिम्मत दिखाई है महिलाओं को आगे लेकर आने के लिए। तो ये आज वाकई में दिल मोहने की बात थी और आज भारत की तमाम नारियां, आज तमाम भारतीय नारी हमारे प्रधानमंत्री को सैल्यूट कर रही हैं कि हमारा सपना सच होने जा रहा है, हमारा सपना सच हुआ है। इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू, रियली इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, और ये इसके अलावा अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स को एक साइड पे रख के वैसे ओवरऑल तमाम फील्ड्स की बात करें, मैंने जहां तक पढ़ा था जो मिशन सन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया, उन्हें भी जो हेड कर रही थी, चेयर कर रही थी, वो भी एक महिला है, और इसके अलावा आपकी प्रेसिडेंट, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर और भी कोई ऐसा फील्ड मुझे ऐसा नजर नहीं आता जिसमें खवातीन की, वुमेन की जो सी प्रेजेंस है वो शो ना हो। आपको क्या लगता है, आपके ख्याल से अगर पाकिस्तान की बात करें, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं क्योंकि हमें बांग्लादेश से लोग देखते हैं, अफगानिस्तान से भी कुछ लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे रीजन में जिस तरीके से अगर वुमेन को एम्पावर किया जाए तो पूरे रीजन का फायदा नहीं होगा? और ये चीज जो रोल मॉडल इस टाइम भारत दे रहा है, अगर हम फॉलो करें, अगर बांग्लादेश फॉलो करें, खासतौर पे अगर अफगानिस्तान की बात करें क्योंकि वहां पे एजुकेशन के ऊपर, वुमेन एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा सख्ती है, पाबंदी है, तो क्या कहेंगे आप इसको? मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगी कि देखिए, हर मैं तो मेनस्ट्रीम मीडिया पे शोएब भाई बैठती हूँ, हर रोज मेनस्ट्रीम मीडिया की खिड़कियों में बैठ करके जब भी हम जैसे लोग संविधान के बारे में बात करते हैं, भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, संस्कार के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो तमाम मौलवी मुल्ला कहते हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से पूरे धर्म, पूरे मुसलमान समाज खराब हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि अब वक्त बदल रहा है, अब वक्त शिक्षा का आ रहा है, अब वक्त रिफॉर्मेशन का आ रहा है, अब वक्त इम्प्रूवमेंट का आ रहा है, अब वक्त डेवलपमेंट का आ रहा है, अब वक्त चांद छूने का आ रहा है। शिक्षा को महत्व देना चाहिए और महिलाओं को आगे देखना, जहां तक वेदों और ग्रंथों में और सनातन धर्मा में कहा गया है, तो हमारे कुरान में भी इस चीज को पढ़ा जाना चाहिए कि बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो बहुत बड़ी रेनाउंड बिजनेस टाइकून थी। तो अगर हम भगवत गीता को मानते हैं और मैंने कुरान भी 30 बारा पढ़ा है, तो क्या बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मैं ना मानू? वो तो बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून थी। ऐसा ही है। तो अब मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारे मौलवी मुल्ला हमें मिसगाइड और मिसलीड करते हैं, जो बार बार ये समझाते हैं कि नादिया जैसी लड़कियां जो पढ़ लेती हैं वो मुसलमान समाज की लड़कियों को आवारा करती हैं, तो आज क्या ये पूरा देश भारत क्या मुझे आवारा कहेगा? नहीं, क्या लंदन, अमेरिका, पेरिस मुझे आवारा कहेगा? क्या मेरे नॉलेज, मेरी क्रेडिबिलिटी मुझे आवारा कहेगी? नहीं। ये मदरसा छाप जो छठा कलमा नहीं जानते हैं, जो एलिफेंट की स्पेलिंग पाकिस्तान के मदरसे के बच्चे नहीं जानते हैं, वो मुझे अगर आवारा कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कह सकते हैं क्योंकि उनको शिक्षा के बारे में पता ही नहीं है। ये इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि नादिया जी, अगर एजुकेटेड लोगों की बात की जाए, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, यहाँ से हो, वहां से हो, या कहीं और किसी और कंट्री से हो, जो एजुकेटेड लोग हैं वो ये जानते हैं, अगर वुमेन को एम्पावर किया जाएगा, अगर खवातीन को अपने शाना बिशाना खड़ा किया जाएगा,
तो घर हो या सोसाइटी हो या कंट्री हो, वो तभी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ पाएगी। इसी और अगर कोई इसकी मुखालफत करता है, किसी भी मजहब से हो, किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता हो, मैं तो ओपनली कहूंगा कि वो जहालत में है, वो बेवकूफी में है। नादिया जी, अगर हम बात करें, अभी जो कल ही बर्थडे गुजरी आपके प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे गुजरी, और उस पर प्रॉपर जो इटली की पीएम है मेलोनी, उन्होंने बोला माई फ्रेंड मोदी हैप्पी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये बोला है, और इसके अलावा G20 में भी वो आई और केमिस्ट्री काफी ज्यादा रही, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी को एक रोल मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है, एक आइडियल के तौर पे देखा जा रहा है, या उन्हें फॉलो किया जा रहा है, फॉलो पब्लिक नहीं बल्कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कोई कहता है मैं फैन हूं, कोई कहता है मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, कोई मतलब इस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है। आपको नहीं लगता कि अब ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं सिर्फ आपके लीडर नहीं रहे, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर मतलब कोई भी कह दे, मैं कह दूं, कोई कह दे कि ये मेरे भी लीडर हैं, तो आपको कोई गिला नहीं होगा? मेरे लिए तो बहुत फक्र की बात है, मेरे लिए बहुत घमंड की बात है, मेरे लिए बहुत तकबर की बात है, मेरे लिए बहुत शान और शौकत की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर अगर मैंने रोजा रखा और शिव जी की पूजा की उनकी लंबी उम्र के लिए, तो दूसरी तरफ मेलोनी जी ने भी उनको माई फ्रेंड हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेलोनी जी के साथ कोई केमिस्ट्री नहीं थी। हर एक बहुत शिक्षित और नॉलेजेबल महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में देखिए फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, माइनॉरिटी और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं वो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, नाजिया इलाही खान को ले लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री हर उस महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मान और अदर और बहुत प्रेम से अपनी अपनी बोली को रखते हैं, जो बहुत क्रेडिबिलिटी रखती हैं, बहुत शिक्षित होती हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सालगिरह पर कहीं पर भगवद गीता बांटी गई, कहीं पर 30,000 बच्चियों के अकाउंट खोले गए, कहीं पर एड्स के बच्चों के साथ बच्चों को स्कॉलरशिप दिए गए, उनके फ्री ट्रीटमेंट कराए गए, कहीं पर योगा किया गया, और कहीं पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कहीं पर कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कहीं पर बच्चों को कंप्यूटर दिया गया, कहीं पर बच्चों को लैपटॉप दिया गया। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क ही किया, इंसानियत का काम ही किया है उनके जन्मदिन पर। अब आते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि कन्वेंशन का इनॉग्रेशन किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कारीगरों के साथ, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है और कल गणेश चतुर्थी है, तो कारीगरों के साथ उन्होंने बहुत सारे स्कॉलरशिप और चेक्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, गले लगा लगा करके कारीगरों को उन्होंने उत्साह दिया के कारीगरी भी बहुत बड़ा कमाल है, आर्ट और कल्चर भी बहुत बड़ा कमाल है। बड़ी खूबसूरत अपनी अपनी स्पीच को रखी कारीगरों के बीच में खड़े होकर के, अपनी भी गरीबी के बारे में उन्होंने बताया और उनके भी दुख और दर्द को उन्होंने सुना, और अपने भी बढ़ते हुए कदम को उन्होंने बताया और उनको भी बढ़ते हुए कदम के बारे में सिखाया। तो ये सारी चीजें एकमात्र भगवान राम का अवतार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही कर सकता है। इसके अलावा हमने और भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर अक्स और छवि अगर नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में आती है। नादिया जी, नो डाउट आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, खास तौर पे अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से काफी ज्यादा नॉलेज है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए, पाकिस्तान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर दो ही चीजें मतलब यह है कि बताई जाती हैं या देखी जाती हैं, मीडिया पे हम चीज नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जी, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाय बेचा करते थे, चाय वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक ये चीज। दूसरे नंबर पे गुजरात में जो हुआ वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके जिम्मेदार जो नरेंद्र मोदी हैं वो हैं, दो चीज। या तीसरी चीज, कुछ एजुकेटेड लोग ये कहते हैं कि भाई हाँ वो पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है या पॉलिटिकल साइंस एंड आर्ट्स किया है। अगर मैं आपको ये बोलूं, रिक्वेस्ट करूं कि मतलब देखें,
आपके थ्रू ही हम दोनों का बात करने का मतलब यह है कि हमारे थ्रू अगर किसी के किसी तक एक्यूरेट नॉलेज जा सके, एक्यूरेट न्यूज जा सके, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। आपको अगर मैं बोलूं 2-3 मिनट में, आप थोड़ा सा बायोग्राफी के बारे में, थोड़ा सा मोदी जी की लाइफ के बारे में बताएं कि भाई उन्होंने स्टडी क्या किया, उनका एक्सपीरियंस और फिर पॉलिटिक्स, और मतलब 2-3 मिनट में। वैसे तो नेट पे उनके ऊपर बुक्स वगैरह और सब कुछ मौजूद होगा, लेकिन देखने वालों के लिए। हार्वर्ड से पढ़े इमरान खान आपके पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और हार्वर्ड से पढ़े आप हमारे भारत के नेहरू जी के पोते जी जी राहुल गांधी जी, क्या तीर मार लिया इमरान खान को। लोग हम जैसे पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं मतलब और से बराबर करते हैं, और राहुल गांधी जी को पप्पू से पुकारा जाता है। तो हार्वर्ड से पढ़ करके आने के बाद इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार लिया। हाँ, संस्कृत स्कूल और कॉलेज से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति चाय बेचते बेचते प्लेटफॉर्म पर सोते सोते जो अपनी कहानियों को बोलने से हिचकिचाता नहीं है, जो अपनी गरीबी को बताने से कभी पीछे नहीं हटता है, जो अपनी गरीबी और अपनी 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 भूख को, भूख के तपिश को बताने से कभी भी अपना मुंह नहीं छुपाता है, संस्कृत से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, एक मामूली स्कूल, एक मामूली कॉलेज और एक मामूली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बना है और पूरी दुनिया में अपना डंका पिटवा रहा है, पूरी दुनिया रेड कारपेट बिछाती है, पूरी दुनिया उस संस्कृत के मामूली से स्कूल से, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया अपनी पलकें बिछा करके रखती है, और बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और शहजादे आकर के उनके गले लगते हैं और जय सियाराम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर नाजिया ने क्लास 10 तक उर्दू स्कूल से पढ़ाई की है, और अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक सरकारी संस्कृत स्कूल से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आज नाजिया भी वही है, वहां है जहां मोदी जी के छत्र छाया में उनको होना चाहिए। और आज भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ मैं अपनी जुबान से क्या ही करूं, ये तो पूरा देश कर रहा है। ऐसे ही है, और वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो लीडर्स हैं वो जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, पाकिस्तान से बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के साथ साथ बहुत से पॉलिटिशियन इस टाइम पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई वहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देख लो, उन्होंने वो चांद पे पहुंच के हम क्या कर रहे हैं, वहाँ G20 कामयाब हो गई, सऊदीया के जो किंग है, जो प्रिंस है, वो आए, उन्होंने वहां पे किस तरीके से उनके साथ उनकी मीटिंग्स रही और हमें उन्होंने मुंह नहीं लगाया, ये हमारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं इस टाइम पे। अगर जब हम पहले कहते थे, हमने कहना स्टार्ट किया, तो ये कहा गया ये देखो जी ये तो एजेंट है, ये देखो जी ये तो पैसे लेके प्रोग्राम करता है। लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू, और वैसे भी अब पूरी दुनिया तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं, अगर आज के दौर में भी कोई ये कह देगा कि ये G20 सब फेक है या मिशन मून फेक है, तो फिर शायद वो अपना मजाक बनवाएगा, वो अपनी कंट्री का मजाक बनवाएगा। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा भी, हमारे यहाँ से एक सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने बोला कि मिशन मून ही सिर्फ फेक था, तो वो ये चीजें रही। आप लास्ट वो तो कार्टून सीरियल मुझे लग रहा था, वो तो मुझे कार्टून सीरियल लग रहा था, वो जो लाल टोपी वाला जो मीडिया चैनल पर कर कह रहा था गरीबी है, फलाना है, धमाका है। भाई तू पहले अपनी फाकाकशी दूर कर ले ना, पहले तू पाकिस्तान में थोड़ी सी फाकाकशी दूर कर, आटे चावल का जो लाइन लग रहा है, बच्चे जो मदरसे में भी छठा कलमा भी नहीं जानते हैं, एलिफेंट की स्पेलिंग भी नहीं जानते, तू पहले उस पर ध्यान दे। भारत अभी सर्वप्रथम है, भारत की GDP, इकोनॉमी, डिफेंस, सारी चीजों को उठा करके, बायलैटरल ट्रेड, जितनी भी चीजों को उठा करके देखा जाए, पूरा डेटा उसमें सर्वप्रथम दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको शोएब भाई लास्ट में एक बात बताती हूँ, हमारे भारत के कवि ने कभी भी, किसी जो कविता लिखते हैं, कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी। आपको पता है क्यों नहीं लिखी? जी बताइए। क्योंकि पहले कभी था नहीं पाकिस्तान, अभी बीच में है, अभी बीच में है, अब क्या पता रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए हमारे भारत के कवियों ने कभी कोई कविता पाकिस्तान पे लिखी ही नहीं। ठीक है, मतलब हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान फूले, फैले, बढ़े, बेहतरी की तरफ जाए, ना हम किसी को नुकसान पहुंचाए, ना हम किसी को तकलीफ दे, ना हमारी वजह से कोई हमसाया, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, या किसी भी साइड पे हो। मैं तो चाहूंगी शोएब भाई, मैं तो चाहूंगी मैं भारतीय नारी हूं, मेरी माँ इटली की नहीं है, मेरी माँ भारतीय नारी है, और मुझे मेरी माँ ने इस भारत की भूमि से बे इंतहा मोहब्बत करना बचपन से सिखाया है। ये कोई अचानक से रातों रात मेरे अंदर ये मोहब्बत नहीं आई है,
मैं बचपन से इस भारत से बहुत मोहब्बत करती आई हूँ, तब जाकर के आज पूरी दुनिया को पता चल रहा है। मैं तो चाहूंगी कि जिस तरह से हनुमान जी ने सूरज निगला था ना, उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पीओ के निगल जाए। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है। देखें, ये अगर हम यहाँ पे इखलाफात करेंगे, हम यहाँ पे अगर मैं कहूंगा कि अगर मतलब देखें इस तरह की स्टेटमेंट से, मैं अपनी तौर पे अगर लेट्स सपोज मेरे से कोई पूछता है कि भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर के बारे में, इंडिया साइड कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे, मैं तो ओपनली ये कहता हूँ कि इस टाइम जो वहां पे सिचुएशन है, बिलीव मी वहां पे जाके लोगों से पूछे वो तो खुद तंग आ चुके हैं। अगर यहाँ पे हमारी हमारी साइड पे लोग खंबे उखाड़ के फेंक रहे हैं, मतलब बिजली के जो खंबे हैं वो उखाड़ के फेंक रहे हैं कि भाई ले जो, हमें नहीं चाहिए, इस्लामाबाद ले जो, यहाँ ले जो, वहां ले जो, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मेरे कहने से आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और इवन इंडिया के आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई अब हमें जंग की जरूरत ही नहीं है, हमें वार की जरूरत नहीं है कश्मीर के लिए, कुछ टाइम बाद कश्मीर के लोग खुद इस तरीके से डिमांड करेंगे। तो ये सिचुएशन तो पाकिस्तान ये सिचुएशन तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि भाई कश्मीर कश्मीर का नारा 76 साल हमने लगाया, और आज अगर हम देखें अपने ही घर में क्या कंडीशन है, अपने ही साइड कश्मीर में क्या कंडीशन है, ये सबके सामने है। हम कुछ बोलेंगे तो भाई हमें तो फिर ओपनली ये कह दिया जाएगा, ये देखो जी, ये देखो। इवन अभी भी मैं अगर कहूं तो बाजार में, गलियों में, या इवन मीडिया पे ये कहा जाता है कि ये जो सुहेब चौधरी है ये ऐसा करता है वैसा करता है। खैर, थोड़ा सा बात इमोशनल साइड पे जा रही है, इसे वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सच कभी छुप नहीं सकता, जुल्म कभी जो सा है वो एक ना एक दिन जुल्म का एंड होना ही होना है, और जिसका जो हक है वो उसको मिलना ही मिलना है। नाजिया जी, वाइंड अप करेंगे एक दो लाइन में, मुझे बस ये बता दें क्या आप इंसानियत से, मतलब पाकिस्तान साइड के जो लोग हैं उनसे आपको कोई मसला है, कोई गुस्सा है, या जो आपके तल्ख अल्फाज होते हैं वो पाकिस्तान के सिस्टम से गुस्सा है? मैं बस इतना चाहती हूँ इंसानियत के तौर पर कि पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज को हक दिया जाए, पाकिस्तान में भी मुस्लिम महिलाओं से लेकर के तमाम महिलाओं को फ्रीडम दिया जाए और उनको एड़ियों के नीचे ना कुचला जाए, उनको उनको शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया जाए, उनको भी पढ़ने दिया जाए, उनको भी बढ़ने दिया जाए, उनको भी पर लगा करके उड़ने दिया जाए। जबरदस्त जी, ये मतलब बड़ी बड़ा अच्छा लगा। अब कुछ लोगों को ये लगता है शायद ये पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, भाई मैं ये समझता हूँ, मुझे आपकी माइंड का नहीं पता क्या, मैंने इसलिए पूछा कि आपको पाकिस्तानियों से नफरत है या फिर पाकिस्तान के सिस्टम से कुछ आपको इशू है। तो डेफिनेटली जो एक एजुकेटेड लोग जो होगा उसे अगर इशू होगा तो सिस्टम से, क्योंकि इंसान यहाँ पे, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, और हर जगह दुनिया में कहीं पे भी इंसान ही बसते हैं। ये थी आज की वीडियो और ये था आज का प्रोग्राम। नाजिया जी ने बहुत सी बातें की, बहुत सी गुस्से वाली बातें भी की, लेकिन ये उनका राइट है अपनी ओपिनियन पब्लिक तक पहुंचाना, दुनिया तक पहुंचाना। आप उसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपको उनकी बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मेरे सवालात कैसे लगे, मेरी बातें कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट किस गेस्ट को हम रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे प्रोग्राम पे आए ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था शुएब चौधरी साहब का, और आज उनके साथ जो मेहमान थी वो हरदिल अजीज, जो नाजिया इलाही खान है वो थी। और आज मुद्दा था 33% जो वुमेन्स को सीट्स अलाउ की गई हैं, रिजर्वेशन की गई है उनके लिए, तो उस पे नाजिया जी से अलावा और कोई अच्छा नहीं उसको बोल नहीं सकता था, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता था इस चीज़ को, तो वो उन्होंने किया भी इस वीडियो में। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें, देखिए ये भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी के हिस्से में ही आना था। वजह दमदार, और वजह क्या है, वजह यही है कि वो हमेशा से चाहते हैं, सबसे पहले जो उनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तब से लेकर अब तक जो वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम कर रहे हैं, और वो लखपति दीदी हो और कई सारी ऐसी स्कीमें जो कि महिलाओं के लिए हैं खास करके, उन पे वो काम करते हैं, और उनकी वो ख्वाहिश है कि जो महिलाएं हैं वो भी मर्दों के शाना बशाना इस कौम व मिल्लत की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। देखिए भारत की बड़ी ही आबादी वाला मुल्क है और उसमें 48% अगर महिलाएं हैं, और अगर महिलाएं हमारे पाकिस्तान की तरह घरों में बैठी रहेगी, एजुकेट नहीं होंगी, काम नहीं करेगी, ऑफिसेज में जाएंगी नहीं, तो फिर कैसे चलेगा ये निज़ाम? निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसीलिए तो हमारा सिस्टम का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ परसेंट के अलावा महिलाएं
सिर्फ घरों में ही कैद कर दी गई हैं। और वजह देखिए, वहां पे चंद्रयान 3 जाता है तो उसके पीछे भी एक महिला है, वहां पे आदित्य L1 जाता है उसके पीछे भी एक महिला है, वहां पे बहुत बड़े कारनामे अंजाम देती हैं उसके पीछे महिलाएं हैं, वहां पे उनकी जो वजीरे खजाना है वो एक महिलाएं हैं, और महिलाएं हर एक जगह पे नजर आती हैं। हमारे साथ ये जो हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें फीडबैक मिलता है और बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही जेन्युइन जो फीडबैक हमें मिलता है वो महिलाओं की तरफ से आता है, और वो अपने देश को लेकर, इसकी तरक्की को लेकर इस हद तक सिंसियर हैं कि हम बयान ही नहीं कर पाते और कितनी सेंसिटिव हैं इस हर एक मामले को लेकर। और जिस तरह से वो हमसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी शक्ति है भारतीय नारी में, कितना वो आज़ाद है, कितना वो अपने आप को महसूस करती है इस हद तक आजाद, और समझती है कि मैं महफूज हूँ, सिक्योर इस मोदी गवर्नमेंट में पहले कभी नहीं था। और आज की जो महिलाएं हैं वो पढ़ रही है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो हमें भी इन सब चीजों से, खास करके जो एक बात की गई नाजिया जी ने कि मुसलमान मौलाना मुफ्ती कहते हैं कि तुम जो लड़कियों को इतना आवारा कर रही हो और उनको खराब कर रही हो और उनके लिए, ना ना ना, ये रोल मॉडल बन रही है उन लड़कियों के लिए कि अपने आप को किस तरह मनवाया जाता है, अपने आप को किस तरह कामयाब किया जाए, इस मर्दों के मुआशरा जिसको कहा जाता है उसमें अपनी जगह कैसे बनाई जाती है, ये नाजिया इलाही खान जैसी लड़कियां ही बताती हैं कि आप खुद को एजुकेट करो, किस तरह से आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां जो होंगी इनको अपना रोल मॉडल मानती होंगी, और ये कोई अवारगी की बात नहीं है, वो अच्छे तरह से समझती हैं कुरान को भी, जो उन्होंने आज मिसाल दी। और खास करके हमारे मौलाना मौलवी मुफ्ती क्यों नहीं ये समझते कि जो एक बहुत बड़ी जो बिजनेसमैन थी, टाइकून थी, जो हम उस वक्त की, वो हजरत खदीजा थी, और आपकी जो बीवी थी, आपके साथ उनकी शादी हुई और उससे पहले आप उनका सामान लेके तजारत शाम को गए थे, तो फिर आपकी जो नेक नीयती और नेक सीरत को देखकर उन्होंने आपके लिए निकाह का पैगाम भिजवाया हजरत खदीजा ने। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आप नाजिया जी पे उंगली ना उठाएं, लेकिन क्या है कि आपने उंगलियां उठानी है, आपका तो काम है। कहते हैं ना कि गोद मां दी है दरसगाह पहली है तो जिंदगी दा नसब लैन बनता है। जब हमारी मां बहन बेटी पढ़ी लिखी होगी, बाशऊर होगी, तरबियत याफ्ता होगी, अच्छे बुरे की उसे समझ होगी। देखो एक मर्द है वो सुबह से 8-9 बजे काम पे जाता है और रात को काम से घर आता है, उसके जो बच्चे हैं उनकी तरबियत कौन करता है? एक औरत करती है। बच्चों को अच्छे सांचे में कौन डालता है? एक माँ डालती है। जब माँ ही अच्छी तरबियत की होगी, माँ पढ़ी लिखी होगी, बच्चों को पढ़ाएगी, बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज देगी, उन्हें माशरे में रहने सहने और माशरे से मिलने जुलने का तरीका सिखाएगी, तो फिर ही माशरा तरक्की करेगा ना। अगर एक तरबियत याफ्ता औरत, एक तलीम याफ्ता औरत, एक सेंसिबल औरत एक अच्छा घर संभाल सकती है, घर का रूटीन अच्छी चला सकती है, अगर वो मुल्क को चलाने में अगर अपना किरदार अदा करेगी तो मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा? बिल्कुल जी, आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हैं जिसको लेकर हमने आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी खवातीन ने पढ़ना है, और जब वो पढ़ेंगी तालीम को हासिल करेंगी। देखिए सिर्फ डिग्री हासिल करना ही तालीम नहीं है, वो तालीम है जिससे काबिलियत आए और जात को उसका मुकाम मिले, उसको पहचान मिले, अल्लाह ताला ने या बनाने वाले ने, जो भी बनाने वाला है उसने उसे किस लिए बनाया है, उसने सिर्फ और सिर्फ जो है ना किरदार के जो है ना वो बनाया है औरत जात का, कि आपने इसके अंदर वो तमीरी जो है ना चीजें जो है ना औरत जात के अंदर डाली गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, बनाने वाले की तरफ से, तो उन चीजों से हम फायदा नहीं उठा रहे, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो फायदा नहीं उठा पा रही है। आज देखिए जिस मुआशरे के अंदर औरतें पढ़ी लिखी हैं वो आज भी मुआशरा तरक्की पजीर है, और हम उसे यूरोप कहते हैं, और यूरोपियन कंट्री क्यों आगे बढ़ रही है आज देख लीजिए, जो है आज हमारा ही हमसे इलादा हुआ हुआ एक टुकड़ा वहां पे, अब वो औरतों की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके पहले उनकी स्किल्स के ऊपर काम किया और आज देख लीजिए उनकी एक्सपोर्ट कहाँ पे चली गई है। तो इसी तरह से जो भी कंट्री जिस तरीके से आज इंडिया अपनी औरतों की जो है ना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर तवज्जो दी जा रही है,
आने वाला वक्त ब्राइट है इंडिया का, क्योंकि जब औरतें अपना किरदार अदा करती हैं किसी भी चीज की तमीर और तरक्की में, चाहे वो घर की तमीर और तरक्की हो, चाहे वो नस्लों की तमीर और तरक्की हो, चाहे वो मोहल्ले की हो या फिर स्टेट की तमीर और तरक्की में, जब औरतें अपना किरदार अदा करती हैं तो फिर कोई भी चीज तरक्की करने से नहीं रोक सकती उस स्टेट को। तो यही सारी चीजें, ये बहुत बड़ा एक बिल पास किया गया, ये एक तारीख का हिस्सा है और 34% 33% जो दिया गया है कोटा औरतों को, ये बहुत बड़ी बात है। और आज भारतीय जो नारी है वो खुद पे बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रही होगी कि वो एक इंडिया और भारत का हिस्सा है और उसको भारत का हिस्सा होने पर गर्व है। और ये बहुत जबरदस्त वीडियो था आज का, नाज़िया इलाही खान जी का हमेशा से ही बहुत जबरदस्त वीडियो है। और आप भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए